चैप्टर टू शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम पांच भागों में पढ़ेंगे, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चैप्टर की शुरुआत दो उदाहरणों से की गई है। एक में मामा नाम की एक लड़की जो अफ्रीका के तंजानिया के एक छोटे गांव में रहती है, दूसरे में पीटर नाम का एक लड़का जो न्यूजीलैंड में भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। मामा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। अब हमें समझना यह है कि आखिर उनके जीवन व्यतीत करने में अंतर क्यों है। तो इस अंतर को समझने के लिए हमें आखिरी पैराग्राफ को पढ़ना होगा कि मामा और पीटर दो अलग अलग स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह अंतर किस कारण से है? तो ये अंतर भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। इसको यदि हम अंग्रेजी में समझें, हम कहेंगे मामा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो इस प्रकार से आपने समझा कि अलग अलग कारणों से दुनिया के अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोगों के जीवन व्यतीत करने में अंतर होता है। इसी बात को समझने के लिए आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करें और अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार के संसाधन जिस स्थान पर उपलब्ध होते हैं लोगों की जीवन शैली भी उसी प्रकार की होती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो बृहद जनसंख्या है या वे निर्जन है। ऐसा क्यों है? 90% जनसंख्या के लिए केवल 30% भाग ही है जबकि शेष 70% भूमि पर बहुत कम जनसंख्या रहती है। कारण साफ है कि ये भूमि की गुणवत्ता, वहाँ पर उपलब्ध जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण ही ऐसा होता है। इस आखिरी पैराग्राफ को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि आप उसे याद रख पाएं। अब हम बात करेंगे भूमि के बारे में, लैंड। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है और इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य 30% भूमि हमारे पास उपलब्ध है लेकिन इसको हम पूरी तरह से रहने के काम में नहीं ले पा रहे हैं। मुख्य रूप से भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उसका क्या कारण है? उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। कहने का तात्पर्य ये है
कि जो जनसंख्या का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, उसका जो मूल कारण है वो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें लैंड और क्लाइमेट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें रग्ड टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स हैं, लो लाइंग एरिया ससेप्टिबल टू वाटर है, इसके अलावा लूजिंग डेजर्ट एरियाज हैं, थिक फॉरेस्टेड एरियाज हैं, ये सब स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेटेड हैं। प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, तो जो मैदान और नदी घाटियाँ हैं वहाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है, इसलिए दीज आर दी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर सघन क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर लोगों को रहने के लिए जहाँ अनुकूल दशाएँ मिलती हैं वहाँ पर लोग आसानी से बस जाते हैं, और जहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं वहाँ या तो लोग बिल्कुल नहीं बसते हैं या बहुत कम संख्या में वहाँ पर लोग बसना पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग किस किस कार्यों के लिए किया जाता है, इसे आप नोट कर सकते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, इसे साधारणतः भूमि उपयोग कहते हैं। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। नीचे जो सारणी दी गई है इसमें दुनिया के कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज के लैंड यूज को दिखाया गया है। आप इसमें एक तरफ देशों के नाम और दूसरी तरफ भूमि उपयोग के अनुसार उसका क्षेत्रफल देख सकते हैं। यदि इसे पूरे विश्व में हम देखना चाहेंगे तो फसल के लिए भूमि 11% उपलब्ध है, जबकि चरागाह 26% है, वन क्षेत्र 31% क्षेत्र में फैले हुए हैं, जबकि अन्य उपयोग के लिए 32% भूमि उपलब्ध है। यदि आप इसे अलग अलग तरह से देखेंगे तो भारत में फसल भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक 57% है, ऑस्ट्रिया में सर्वाधिक भूमि प्रतिशत चरागाह के लिए 56% है, जबकि वनों की दृष्टि से देखें तो जापान में सबसे ज़्यादा वन 67% दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य उपयोग के लिए कनाडा में 52% भूमि दिखाई दे रही है। इस प्रकार से भूमि उपयोग के अनुसार दुनिया के अलग अलग देशों का क्षेत्रफल इसमें दर्शाया गया है। जब आप इस टेबल को आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो उसमें कुछ नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस टेबल को अच्छे से स्टडी करना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कि भूमि का उपयोग किन भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यह एक प्रश्न बनता है कि भूमि का उपयोग किन भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई सर्टेन फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। भूमि का उपयोग स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। मानवीय कारकों में जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। इसमें ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी और ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न, अर्थात जिस प्रकार के कारक हैं, चाहे वो भौतिक हैं या मानवीय कारक हैं, उसी प्रकार से भूमि का उपयोग किया जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के भौतिक कारकों के आधार पर भूमि का उपयोग करते हैं या किस प्रकार के मानवीय कारकों के आधार पर आप भूमि का उपयोग करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। इसको यदि हम अंग्रेजी में समझना चाहें तो पेज नंबर 11 पर लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड।
private land is owned by individuals, whereas community land is owned by the community for common use like collection of food or fruits, nuts or medicinal herbs. These community land are also called common property resources. सामान्य रूप से जो सामुदायिक भूमि होती है उसका संबंध सभी व्यक्तियों से होता है, उसमें चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना शामिल है और इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ध्यान दें, यहाँ भूमि को दो भागों में बांटा है, एक निजी भूमि, एक सामुदायिक भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है और सामुदायिक भूमि पूरे समुदाय के स्वामित्व में होती है। जो समुदाय के स्वामित्व में होती है उसका उपयोग समुदाय के सभी व्यक्ति करते हैं, जिसमें साझा रूप से वो चारा, फल, नट, औषधि बूटियों को एकत्रित करते हैं और इस प्रकार के उपयोग को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अब एक वो बात और आगे समझना आवश्यक है कि जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए गैर कानूनी तरीके से अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है और इससे ये पता लगता है कि दिनादिन भूमि की मांग बढ़ती जा रही है, जबकि भूमि की आपूर्ति सीमित है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे भूमि की मांग बढ़ती जा रही है, भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है और खेती और निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार हो रहा है, जिसके कारण भूमि की गुणवत्ता खराब हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। ये सभी पर्यावरण के लिए एक प्रकार से खतरा हैं। यदि समय रहते इनको नहीं रोका गया तो एक दिन पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differs from place to place. People started encroaching the common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. Now you can see this figure 2.2, Bhumi Upyog mein Samay ke Anusar Parivartan. आप चित्र संख्या एक देख रहे हैं जहाँ पर हरियाली ज़्यादा है, चित्र संख्या दो में धीरे धीरे हरियाली कम होती जा रही है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, चित्र संख्या तीन में हरियाली और भी कम होती गई है, बसावट ज़्यादा हो रही है और चित्र संख्या चार में आप देख पा रहे हैं कि हरियाली लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई है, बिल्डिंग्स बन गए हैं, रोड्स बन गए हैं, फैक्ट्रीज बन गई हैं और इस प्रकार से ये समय के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है ये कहीं न कहीं पर्यावरण के लिए एक प्रकार का खतरा है। अब चूंकि भूमि उपयोग में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो इस महत्वपूर्ण संसाधन भूमि का संरक्षण कैसे किया जाए, आओ इस बिंदु पर चर्चा करते हैं कि भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन का बहुत नुकसान हुआ है और इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की इस वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण,
भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है, यदि ये पूछा जाए कि भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए, तो भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए सबसे पहले अधिक से अधिक वन लगाए जाए, भूमि की गुणवत्ता सुधारी जाए, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल जो हम करते हैं उनकी मात्रा कम की जाए, उन्हें सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया जाए, कीटनाशकों के साथ साथ उत्तम किस्म के बीज उसमें डाले जाएं, जो अतिचारण हो रहा है, जानवर जो खेतों पर या जमीन पर विचरण करते रहते हैं, जो घास को उखाड़ते रहते हैं, उससे भी भूमि की गुणवत्ता खराब होती है, उसको रोका जा सकता है। और इस प्रकार से कुछ तरीके हैं जिनके चलते भूमि संसाधन का संरक्षण किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लीड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज created a fear of losing this natural resource. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. There are some steps can be taken. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. This is very important question. What are the methods can be used to conserve land resources? So you can write these points, that afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. जब हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं, तो उन आपदाओं में हम भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ साथ भूस्खलन जैसी आपदाओं की चर्चा करते हैं। यहाँ भूस्खलन से संबंधित एक उदाहरण दिया है, इसे हमें समझना आवश्यक है, क्योंकि ये लैंडस्लाइड्स, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, आखिर ये पर्यावरणीय असंतुलन के कारण ही है। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलवा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शंस विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनोज। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide. Remember, a prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. The formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its westing. In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. So this is a threat to the life. Landslide is a natural hazardous condition, natural disaster which may cause for the loss of life and प्रॉपर्टी। तो भूस्खलन क्या है और भूस्खलन किस कारण से होता है, ये जानने के बाद हमें इसके मिटिगेशन मैकेनिज्म के बारे में जानना जरूरी है कि इसका न्यूनकरण
क्रियाविधि कैसे समझी जाए। तो यहाँ पर भूस्खलन को रोकने की कुछ विधियाँ लिखी हैं, उन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित किया जाए। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन हैं, और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के काम में ना लिया जाए, अर्थात यहाँ पर रहने के लिए घर नहीं बनाने चाहिए क्योंकि यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाए जहाँ लैंडस्लाइड की संभावनाएं अधिक बनी रहती हैं, और ऐसे क्षेत्रों में आवास बनाने की गतिविधियों को ना किया जाए, यहाँ पर निवास के लिए ये स्थान उपयुक्त नहीं होते हैं। दूसरा है, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारित दीवार का निर्माण भी किया जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। एक ऐसी दीवार जो आप ये चित्र में देख रहे हैं, एक प्रतिधारित दीवार बना देनी चाहिए जिससे यदि भूस्खलन होता भी है तो उसकी गति कम हो जाए और वो ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। अगला है, भूस्खलन को रोकने का सबसे जो प्रभावी तरीका है वो वनस्पति आवरण में वृद्धि करना है। जनरली देखा गया है कि लैंडस्लाइड इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो ऊपरी लेयर है उस पर घास या दूसरे प्रकार की वनस्पति का कवर है वो बहुत कमजोर होता है या नहीं होता है, इसलिए इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि यदि भूस्खलन को रोकना है तो सबसे पहले उस पर वनस्पति आवरण बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि घास से मिट्टी आपस में जुड़ी रहती है और वो जल्दी से अपना स्थान नहीं छोड़ती है। अगला है, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रण करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाने चाहिए। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलोंग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए ताकि पानी को धीरे धीरे ऊंचाई से नीचे की ओर बहने के लिए रास्ता दिया जाए या उसे दिशा प्रदान की जाए। एक साथ पानी जब तेजी से गिरता है तो वो मिट्टी को काटता है और ऐसे धीरे धीरे मिट्टी कटते कटते लैंडस्लाइड में तब्दील हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हो सकती है। तो ये कुछ मिटिगेशन मैकेनिज्म यहाँ पर बताए गए हैं, ये आम जीवन में अच्छे से समझने वाली बातें हैं, ये केवल किताबी ज्ञान ही नहीं अपितु हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें हैं। इन बातों को हम ध्यान में रखकर इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को जनधन की हानि होने से बचा सकते हैं, किसी भी प्रकार के नुकसान से हम बच सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के 5 भागों में से पहला भाग भूमि को समझा।